यह 2015 की बात है, 2015 की बात है कि पहली बार हीरालाल अलवा जी ने यहाँ पे संसद जंतर मंतर पे पहला बार 50,000 जनता के बीच में ऐलान किया था कि मिशन 2018 हम लेकर के आएंगे साथियों, और हम इसी जंतर मंतर पे वादा के अनुसार आज दूसरी बार आपके सामने विराजमान है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जय जवान, जय भारत, जय गोंडवाना, जय बिरसा। साथियों, कहना यह है सबसे पहले कि लड़ाई बहुत गंभीर है, लड़ाई बहुत रफ्तार में चल रही है, जिसमें आपने सहयोग दिया हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये दिल्ली की पूरी जनता आपका आभार व्यक्त करती है, इस मंच से हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जिस्म तो जल गया, जान अभी बाकी है। उन जालिमों ने जख्म ऐसा दिया कि घाव तो भर गया, निशान अभी बाकी है। उनको यह हम बताना चाहते हैं कि साथियों, ये सब कहते हैं ना, ये देश हमारा है, हम देश के वासी हैं, बड़ी बात यह है साथियों, नागरिकता तो किसी भी देश में मिल सकती है। आप किसी भी देश में जाएंगे आपको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिक बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश का मालिक बनना सबसे बड़ी बात है, इस धरती का मालिक बनना सबसे बड़ी बात है। आप इस धरती के मालिक है, इन लोगों को बताना पड़ेगा कि आज इस दिल्ली की धरती पे इस धरती का मालिक आया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, यह धरती बनी है तब से हम यही के वासी हैं, अरे देश बना है बाद में, हम पहले से आदिवासी हैं। कहना यह है कि अभी तो हमारे लोग ट्रेन के प्रॉब्लम से बहुत सारा लोग अभी रास्ते में है, बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए हैं। कम्युनिकेशन प्रशासन के तरफ से भी हमारे को पूरा सहयोग नहीं मिला, इस वजह से हम लोग कंफ्यूजन में रहे। कभी मंडी हाउस, कभी राजघाट, कभी इंडिया गेट, कभी जंतर मंतर करके हम लोग को काफी समय वेस्ट हुआ, जिसमें हम लोग मतलब अपना कार्यक्रम ठीक से नहीं कर पाए। हम लोग अपना कार्यक्रम का जो अभियान है ठीक से नहीं कर पाए, इस वजह से कंफ्यूजन को हमारे कुछ साथी कम इकट्ठा हो पाए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे साथी हमारे अभी ट्रेन में है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतनी जनता हमारी अभी ट्रेन में है, वो लोग आने वाले हैं, ऑन द वे है, हम उनका स्वागत करते हैं। साथियों, हमेशा आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये लोगों को हम बताना चाहते हैं, मालूम है कि इस देश की लड़ाई कभी भी लड़ी तो किसने लड़ी, आपको यह मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो हम बताते हैं, प्रमाण बताते हैं। अगर ये कहते हैं कि लड़ाई हमने लड़ी है, तो पूछो भाई, जब अंग्रेज आए थे और आपकी लड़ाई जब छिड़ चुकी थी अंग्रेजों के साथ में, तो आपके पास क्या थे, कौन से हथियार थे, जिस हथियार से आप लड़ते थे? उनके पास तो बम बारूद गोला थे, आपके पास क्या थे? लाठी भाला से अंग्रेज की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं, ये प्रमाण है कि वो अंग्रेज भागे थे इस तीर और कमान से भागे थे, क्योंकि आज ये प्रमाण है कि हमारे घर में तीर और कमान पाई जाती है, आज भी अपने घर में तीर कमान है। अगर उनके बंदूक की रेंज उस समय अधिक 500 मीटर थी, तो हमारे तीर की रेंज 5 किलोमीटर पर थी। हमने एक एक जगह पर अंग्रेजों को 30,000 की जनसंख्या में हमने तीर का निशाना, तीर के घाव दिया है, तब अंग्रेज भागे हैं, ये प्रमाण है। और ये कहते कि लड़ाई अंग्रेजों से हमने लड़ी है, अरे तुम लाठी और डंडा थप्पड़ से अंग्रेजों भगाए थे क्या, और अंग्रेज तुम्हारे थप्पड़ से भागने वाले थे? अगर ये तीर और कमान नहीं होता तो आज अंग्रेज नहीं जाते। इस चीज को साथियों भुला दिया गया। सच तो यह है कि जो हमने इतिहास में जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो इतिहास देश के लोगों को पढ़ाया जाता है, वो इतिहास सही नहीं है, इतिहास सच में नहीं है। इतिहास तो वो है कि हमने सहा और उसको लिखा नहीं गया, हमने सहा और उसको लिखा नहीं गया है। जो मंच की दाहिनी ओर खड़े हैं, आपसे मैं विनम्र निवेदन